नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम शुरू कर रही है। लोकसभा में जीतने के लिहाज यूपी बेहद अहम राज्य है, क्योंकि इस राज्य से 80 सीटें आती हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की नजरें प्रदेश के दलित वोटरों पर है। दरअसल प्रदेश में 22% दलित मतदाता हैं, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां दलितों को लुभाने की कोशिशों में लग गई हैं। यही कारण है कि बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर यानी 9 अक्टूबर 2023 को कांशीराम के जरिए सभी दल दलितों को लुभा कर अपने खेमे में लाने में लगे हैं। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े स्तर पर तैयारी भी कर ली है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती संवाद कार्यक्रम शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलित वोटों में सेंध लगाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया। दरअसल कांशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आज से उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की। कांग्रेस ने इस संवाद श्रृंखला के जरिए आने वाले 45 दिनों में लगभग 1 लाख से ज्यादा दलित परिवारों को लुभाने का लक्ष्य रखा। इस यात्रा के दौरान 75 जिलों में लगभग 4000 रात्रि चौपाल आयोजित किए जाएंगे और हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन होगा। इस संवाद सीरीज के दौरान कांग्रेस दलितों से दलित अधिकार मांग पत्र भरवाने के अलावा यात्राएं भी निकालेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 500 मांग पत्र भरे जाने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।